इमरान खान की पहली फिल्म का नाम था जाने तो आ जाने ना और ये फिल्म 4 जुलाई 2008 को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा जेनीलिया डी सूजा शामिल थी फिल्म का बजट था पंद्रह करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से चौरासी करोड़ बीस लाख की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही अगली फिल्म का नाम था किडनैप और ये फिल्म 2 अक्टूबर 2008 को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा संजय दत्त शामिल थे फिल्म का बजट था इकतीस करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से पैंतीस करोड़ साठ लाख की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फलाप रही अगली फिल्म का नाम था लुक और ये फिल्म 24 जुलाई 2009 को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा संजय दत्त शामिल थे फिल्म का बजट था सैंतीस करोड़ और फ़िल्म ने दुनिया भर से 33 करोड़ अट्ठावन लाख की कमाई की थी और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर डिज़ास्टर रही अगली फ़िल्म का नाम था आई हेट लोव स्टोरीज़ और ये फ़िल्म 2 जुलाई 2010 को रिलीज़ हुई फ़िल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा सोनम कपूर शामिल थीं। फ़िल्म का बजट था तेईस करोड़ और फ़िल्म ने दुनिया भर से तिहत्तर करोड़ निन्यानवे लाख की कमाई की थी और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर हिट रही अगली फिल्म का नाम था ब्रेक के बाद और ये फिल्म 26 नवंबर 2010 को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा दीपिका पडुकोन शामिल थीं। फिल्म का बजट था बाईस करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से 30 करोड़ उनतीस लाख की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फलाप रही अगली फिल्म का नाम था दहली बेली और ये फिल्म 1 जुलाई 2011 को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा शहनाज वाला शामिल थीं फिल्म का बजट था तेईस करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से इक्यावे करोड़ उन्नीस लाख की कमाई की थी और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही अगली फिल्म का नाम था मेरे बिरादर की दुल्हन और ये फ़िल्म 9 सितंबर 2011 को रिलीज़ हुई फ़िल्म की स्टार कास्ट में इमरान ख़ान के अलावा कतरीना कैफ शामिल थीं फिल्म का बजट था बत्तीस करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से छानबे करोड़ तिहत्तर लाख की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही अगली फिल्म का नाम था एक में और एक तो और ये फिल्म १० फरवरी २०१२ को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा करीना कपूर शामिल थीं। फिल्म का बजट था बत्तीस करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से पिचहत्तर करोड़ बीस लाख की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही अगली फिल्म का नाम था मातरू की बिजली का मंडोला और ये फिल्म 11 जनवरी 2013 को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा अनुष्का शर्मा शामिल थी फिल्म का बजट था इकतालीस करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से बासठ करोड़ नवासी लाख की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फलाप रही अगली फिल्म का नाम था वंस ओपवन ए टाइम इन मुंबई दोबारा और ये फिल्म 15 अगस्त 2013 को रिलीज़ हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा शामिल थीं फिल्म का बजट था एक अरब और फिल्म ने दुनिया भर से पचानवे करोड़ उन्नीस लाख की कमाई की थी और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही अगली फ़िल्म का नाम था गोरी तेरे प्यार में और ये फ़िल्म 22 नवंबर 2013 को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा करीना कपूर शामिल थीं। फिल्म का बजट था पैंतालीस करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से बत्तीस करोड़ अस्सी लाख की कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही अगली फिल्म का नाम था किट्टी बटी और ये फिल्म 18 सितंबर 2015 को रिलीज हुई फिल्म की स्टार कास्ट में इमरान खान के अलावा कन्ना रानावत शामिल थीं फिल्म का बजट था बत्तीस करोड़ और फिल्म ने दुनिया भर से 42 करोड़ तिरानवे लाख की कमाई की थी और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर फलाप रही